Hey guys, very good morning and welcome to my channel Indian Mom Kanchan. So guys, सबसे पहले comment करके बताइए कैसे हो आप सभी लोग. I hope आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ. तो यहाँ पर बन रही है चाय और एक साथ ही बना रही हूँ, बट आंटी के लिए बना रही हूँ और मेरे लिए बना रही हूँ. एक चम्मच चीनी इसलिए डाली है, जो मेरी बर्तन वाली आंटी है ना, उन्हें शुगर है और उनको ज़्यादा चीनी का नहीं चाहिए, इस वजह से मैं उनके लिए फीका बनाती हूँ हमेशा चाय. तो यहाँ पर मुझे भी चाय पीना था और उनके लिए भी बनाती हूँ. आज वो थोड़ा सा लेट आए थे, मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा लेट आए थे. शाम को आए थे वो, एक्चुअली सुबह ही आते हैं और सुबह ही बर्तन क्लीन करके चले जाते हैं. थोड़ा सा उनके घर पर प्रॉब्लम हो गया था, मतलब बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से वो आंटी लेट आई आज. तो मेरा चाय का टाइम हो ही गया था. ऐसे सुबह भी आंटी चाय के टाइम पे ही आती है, तो आंटी के साथ ही चाय पीती हूँ सुबह भी. और अभी शाम को भी आई थी तो चाय के टाइम पे ही आई थी, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए भी बना लेती हूँ और आंटी के लिए भी बना देती हूँ. तो पहले मैंने जो चाय बनाई उसमें से चाय छान ली क्योंकि वो फीकी थी, और उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ी सी चीनी ऐड की और मैंने खुद ले ली वो चाय. यहाँ पर आंटी को चाय देने के बाद आंटी वही बता रही थी कि उनकी बेटी की तबीयत अचानक से ख़राब कैसे हुई. बेटा थोड़ा सा बड़ा है, मतलब थोड़ा सा क्या, शादी हो गई है, उसके भी बच्चे हैं, बट वही बता रही थी कि उसके चेस्ट में पेन हो रहा था ऐसे वैसे, और वही स्टोरी बता रही थी हॉस्पिटल वाली. तो चलिए यहाँ पर चाय ले लेती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद गाइज आपसे. हे गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन. सो गाइज, अभी अभी चाय पी है, चाय बनाई थी आंटी के लिए भी और मेरे लिए भी. तो चाय पी और अभी बच्चों को भूख लगी है तो कुछ स्नैक्स में बनाती हूँ. तो सैंडविच बनाने का सोच रही हूँ. तो मैंने अद्विक बोल रहा है कि कल जैसे हम लोगों ने सैंडविच खाया ना, तो वैसे ही सैंडविच खाना है. तो मैंने बोला चलो मैं बना देती हूँ अभी. तो चलिए उसकी ही तैयारी करती हूँ, जो भी चाहिए सैंडविच के लिए वो तैयारी करती हूँ, और उसके बाद सैंडविच की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ. यहाँ पर बच्चे सैंडविच का वेट भी कर रहे हैं और टीवी भी देख रहे थे. मैंने तब तक अद्विक को दूध दे दिया क्योंकि अद्विक को भूख लगी थी, तो मैंने सोचा चलो बोनविटा दूध दे दिया उसे और थोड़ा सा शांत रहेगा उसकी वजह से वो. और बस अभी अद्विक का तो हो गया, इसके बाद अभी मैं तैयारी करूँगी सैंडविच बनाने की. तो सैंडविच बनाने के लिए क्या क्या मैं ले रही हूँ सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ. सैंडविच की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं कैसे सैंडविच बनाती हूँ वो सब कुछ आपके साथ आज शेयर करती हूँ. तो यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है, चार प्याज ले लिए हैं, और चार प्याज को काट लूँगी क्योंकि जो मैंने पोटैटो बॉयल किए थे वो थोड़ा सा ज़्यादा थे, तो इसी वजह से मैंने ये चार प्याज लिए हैं. और इसको चॉपर में ही चॉप करना है. आप पोटैटो देख सकते हो कि कितने हैं, चार पाँच छः पोटैटो हैं. और यहाँ पर मैंने जो टोमेटो है वो भी थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में काट लिए हैं क्योंकि इसे भी हमें चॉपर में ही चॉप करना है, थोड़ी सी फाइन चॉपिंग चाहिए हमें, तो इसी वजह से मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया. अभी प्याज मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी और अच्छे से फाइन चॉप कर लूँगी, और इसके बाद मैं टोमेटो चॉप करूँगी उसी में ही. एक बर्तन में निकाल दिया है मैंने और उसके बाद अभी टोमेटो डाल दिया है, इसे भी मैं अच्छे से फाइन चॉप करूँगी टोमेटो को भी. और उसके बाद जो अपने पोटैटो है बॉईल हो चुके हैं, वह उस पोटैटो भी चॉपर में ही चॉप करूँगी क्योंकि मुझे जैसे पोटैटो चाहिए ना वो चॉपर में ही अच्छे से हो जाएंगे. मतलब आप स्मैश भी कर सकते हो, बट मैं अभी चॉपर ख़राब हो ही गया था, मतलब अभी थोड़ा सा वही था, तो इसी वजह से मैंने सब कुछ चॉपर में ही चॉप कर लिया. और दो तीन हरी मिर्च भी ले ली, वो भी कट कर ली यहाँ पे. और आप देखो पोटैटो को कितने अच्छे से स्मैश हो गया है इसमें भी. और बस अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देना है सारी चीज़ों को. इसमें मैंने मिर्च डाल दी है, हरी मिर्च. और गाइस, जो सैंडविच बनाने वाली हूँ मैं, आपको बताना ही भूल गई, वो बनाने वाली हूँ मैं इस वाले न्यू सैंडविच मेकर में मेरे. और ये जो सैंडविच मेकर है मुझे कल ही रिसीव हो गया था, बट इसे मैंने ओपन नहीं किया. मैंने सोचा चलो आपके सामने ओपन करूंगी और इसमें ही मैं जो सैंडविच है वो बनाने वाली हूँ. कल ही एक्चुअली बनाने वाली थी, बट माही का मन था बाहर जाने का, तो इसी वजह से बाहर लेके गई उसे. कल एक्चुअली मैं घर पे ही सेलिब्रेट करने वाली थी डॉटर्स डे, और घर पे ही उसे सरप्राइज देने वाली थी, इसमें कुछ बना के उसको खिलाने वाली थी, बट उसका मन था तो इसी वजह से मैं उसको बाहर लेके गई. बट आज मैं इसमें बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ ये कैसा है. तो गाइज, ये है मेरा अगैरो का ग्रैनो सैंडविच मेकर और ये 2000 वैट का है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है. और ये सैंडविच मेकर एक्चुअली मुझे कब से चाहिए था, मुझे ग्रिल सैंडविच मेकर चाहिए, ग्रिल सैंडविच मेकर चाहिए, मैं काफी दिनों से आपको बोल रही थी, बट अभी फाइनली मैंने ले लिया है ये. और मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है. एक्चुअली आपके लिए मैंने इसे ओपन नहीं किया था, कल आया ये, बट मैंने इसे ऐसे ही रख दिया था. इसके साथ ये आपको मैनुअल मिलता है, और इसके बाद ये यहाँ पर है वायर इसका, ये आप देखो वायर काफी ज्यादा अच्छा खासा लंबा है वायर. और इसमें आप ऐसे वायर को अगर काम हो गया आपका तो इसके बाद ऐसे वायर को इसमें लपेट के भी रख सकते हो आप. तो यहाँ पर है हमारा अगैरो का ये सैंडविच मेकर, और इस पे ये यहाँ पर ब्रांडिंग दी हुई है
मैट फिनिश में ये सैंडविच मेकर है, यहाँ पर स्टील जो है ये मैट फिनिश का है। उसके बाद इसे अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये लॉक है अभी, और अनलॉक करने के लिए यहाँ पर आपको घुमाना पड़ेगा। और उसके बाद ये देखिए, ये है हमारा सैंडविच मेकर गाइज, और ये इसकी प्लेट है यहाँ पर, और ये पूरा रोटेट होता है, मतलब जैसे कि आपको ऐसे वैसे ही रख के आपको इसमें कुछ बनाना है ना तो आप वो भी बना सकते हो। तो ये देखिए, ये अगर लगानी हो तो प्लेट आप इस तरह से लगा दो और ये फिट हो जाएगी। और इस प्लेट को आप वॉश भी कर सकते हो, जैसे कि अभी देखो यहाँ पर प्रेस कर दिया, ये प्लेट निकल भी जाएगी और इजीली आप इसे वॉश कर सकते हो, इसे आप पोंछ सकते हो निकाल के, सिर्फ गरम गरम मत पोंछना नहीं तो फिर हाथ जलने का डर रहता है। और इसे आप इस तरह से टाइट कर दो, ये टाइट हो गई है, देखो अभी निकल रही है, नहीं निकल रही है। इसका जो बटन है वो यहाँ पर है, और इसका जो बटन है वो प्रेस करने के बाद ये निकल जाती है, यहाँ पर है। टेम्परेचर नॉब से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, और टाइमर नॉब से आप टाइमर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से आप घुमाओगे तो टाइमर सेट कर लोगे। और ये जो प्लेट है ना गाइज, ये नॉनस्टिक प्लेट है, मतलब नॉनस्टिक प्लेट का ये फायदा होता है कि आपका ऑयल ज़्यादा नहीं लगेगा, आपका जो बटर है वो ज़्यादा नहीं लगेगा, आप इसमें टिक्की बना सकते हो, आप इसमें पनीर टिक्का बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो ग्रिल करनी है ना वो आप इसमें ग्रिल कर सकते हो गाइज, मतलब बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा आपको। और काफ़ी बड़ा है ये, दो सैंडविच आपके आराम से यहाँ पर बैठ जाएंगे और अच्छे से ग्रिल होंगे। और इसमें ऐसे थोड़ी सी डेप्थ दी हुई है तो इसकी वजह से सैंडविच पे जो डिज़ाइन बनेगी ना वो बहुत अच्छी बनेगी, आप देख ही लेना, और बहुत ही टेस्टी वाला बाहर जैसा सैंडविच बनता है इसमें। तो चलिए अभी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ सैंडविच की। तो चलिए गाइज, अभी इसे किचन में लेके चलते हैं और अभी बनाते हैं इसमें सैंडविच। और जो मैंने अभी फिलिंग बना के रखी थी पोटैटो और वो अनियन और टोमेटो की, उसमें भी अभी कुछ चीज़ें डालनी बाकी है, बट अभी इसे लगा देती हूँ और उसके बाद इसकी जो प्लेट्स है उसे वॉश करती हूँ, क्योंकि ये न्यू है अभी तो इसी वजह से मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, जर्म्स वगैरह हो सकता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा इसे वॉश कर लूँ और उसके बाद इसे यूज़ कर लूँ। तो प्लेट्स निकाल लेती हूँ और उसके बाद इसे वॉश कर लेती हूँ, अच्छे से क्लीन करती हूँ और फिर इसे यूज़ करती हूँ। तो गाइज अभी ये प्लेट्स क्लीन हो गई है, अब इसे लगा दूंगी अच्छे से। और यहाँ पर आप देखो, ये जो आप देख रहे हो ना ग्रिल प्लेट, उसको पीछे से एक कोना दिख रहा है आपको, उस कोने से ना जो भी आप ऑयल डालोगे, जो भी आप कुछ बटर या घी यूज़ करोगे, वो एक्स्ट्रा अगर हो गया ना तो वो यहाँ से निकलेगा और इस प्लेट में जाएगा, मतलब ऑयल जमा होगा इस प्लेट में। और आप उसे रीयूज़ भी कर सकते हो, या आपकी मर्ज़ी, आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इस प्लेट को निकाल के आप क्लीन करके अच्छे से और दोबारा से लगा सकते हो। तो इस प्लेट का ये फायदा है कि आपके काउंटर टॉप पे बिल्कुल भी मेस नहीं होगा। यहाँ पर है चीज स्लाइस, ये है हमारा सैंडविच ब्रेड, और इसके बाद ये है हमारी फिलिंग। तो इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च, उसके बाद बॉइल किए हुए पोटैटो, और उसके बाद क्या बोलते हैं टोमेटो, ये सब कुछ ऐड किया है। अभी इसमें ऐड करूंगी नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, ये सब कुछ ऐड करके अभी इसे अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हम लोग इसकी फिलिंग करेंगे। अभी मैंने डाल दिया है इसमें नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए, और उसके बाद अच्छे से उसे मिक्स करना है आपको। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद आपकी फिलिंग रेडी है। तो चलिए अभी बनाते हैं सैंडविच। तो सैंडविच बनाने के लिए मैंने ये वाले ब्रेड लिए हैं, एक्चुअली इससे बड़े भी आते हैं ब्रेड, वो भी आप ले सकते हो, और ये भी ब्रेड ले सकते हो, चाहो तो आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे यूज़ करना है आप यूज़ करिए। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा दिया है दोनों ब्रेड को, और उसके बाद मैं टेम्परेचर सेट करूंगी और टाइमर सेट करूंगी। इसमें आप टाइमर और टेम्परेचर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने फीलिंग भी डाल दी है इसमें, अच्छे से फीलिंग स्प्रेड कर दूंगी, और बस आपको इसमें चीज़ डालनी है तो चीज़ डाल दीजिए, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो आप। मैंने चीज़ स्लाइस डाला है, आपको अगर चीज़ स्लाइस ऐड करनी है तो चीज़ स्लाइस ऐड कर दीजिए, अगर आपके पास क्यूब है तो आप ग्रेट करके डाल दीजिए चीज़ को, और बस आपका सैंडविच रेडी है। और बस यहाँ पर मैंने बटर लगा दिया है, आपको अगर बटर ऊपर से लगाना है ब्रेड के तो ऊपर से भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पर नीचे ही लगा दिया और ऊपर से ही ऐसे अप्लाई कर दिया, और बस अभी लीड लगा के रख दूंगी और हमारा सैंडविच थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। तो गाइस इसे चेक करके देखते हैं एक बार, वैसे मैंने 10 मिनट का टाइमर लगाया था, अभी चेक कर लेते हैं एक बार। और ये जो हैंडल है ना गाइस, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है, ये ठंडा ही रहता है, हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। और ये देखिए, ओ वाओ यार, अगर आपको और क्रिस्पी बनाना है या और ब्राउन बनाना है ना तो और भी थोड़ी देर के लिए आप रख सकते हो, थोड़ी देर के लिए मैं और रखूंगी, मेरा फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा क्रिस्पी बना के देखते हैं
फिर सेकंड ये मैंने यहाँ पर सैंडविच बना के रखे हैं, तो ये सैंडविच अभी देखेंगे कि अंदर से कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, सब कुछ रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ इसका। तो गाइज यहाँ पर हमारे ग्रिल सैंडविच रेडी है और आप देख सकते हो बिल्कुल बाहर जैसे बने हैं। आप कॉर्न भी डाल सकते हो इसमें, स्वीट कॉर्न, बहुत सारी चीज़ें डलती है यार सैंडविच में, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें डाल सकते हो, जो आपको पसंद है वो डाल दीजिए और बस आपका सैंडविच रेडी है गाइज। और देखिए कितना क्रिस्पी बना है, आपको आवाज़ सुनाती हूँ इसकी। देखा आपने क्रिस्पी कितना ज़्यादा बना है, बिल्कुल बाहर जैसा बनता है गाइज इसमें सैंडविच, और डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लेना है ना तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इसकी 1 ईयर की वारंटी है गाइज। और जो इसकी नॉनस्टिक प्लेट है ना, इसकी वजह से बिल्कुल भी कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है इसमें। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को आप इसमें ग्रिल कर सकते हो। तो आवाज़ सुना आपने कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनाया है ये सैंडविच, और अंदर से देखो चीज़ कितने ज़्यादा अच्छे से मेल्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना था, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी गाइज। तो डेफिनेटली आप इस सैंडविच मेकर को ट्राई कर सकते हो, मैं तो इस सैंडविच मेकर को हाईली रिकमेंड करूँगी आपको। और चलिए अभी बच्चों को ये सैंडविच दे देते हैं खाने के लिए और उनका रिएक्शन देखते हैं। ये लो आपका फेवरेट सैंडविच, लो द्विक, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ ना, आओ इधर, थोड़ा सा गर्म है, ध्यान से। हाँ बहुत टेस्ट है, इतना बड़ा क्रिस्पी, कितना मस्त है, क्रिस्पी है सच्ची में। मम्मा मैं तो छोटा ही लूंगा, मैं छोटा हूँ ना, इसलिए मैं छोटा ही लूंगा। छोटा नहीं है, सेम ही है। हाँ कल जैसे खाया था आपने वैसे ही है ना। हाँ रखो वहाँ पे, रखो रखो रखो, थोड़ी देर के बाद खाना ठंडा होने के बाद। तो चलिए गाइस सैंडविच मेकर हमारा तो पास हो गया, अभी मैं भी खा के देखती हूँ कैसे बनाए। और बच्चे तो बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाए, कल जैसे हम लोगों ने वो कैफे में खाया ना वैसे ही सेम बनाया बोल रहे हैं। तो सैंडविच मेकर हमारा पास हो गया है। अगर आपको परचेस करना है ना तो गाइस मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो। मुझे इतने दिनों से चाहिए था ग्रिल सैंडविच मेकर, उसके लिए मैं सोच रही थी कि कौन सा लूँ। फाइनली अग्यारो ब्रांड के मेरे पास पहले भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और मैं इतने दिनों से वो यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अग्यारो के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं बट चीप प्राइस में आपको मिल जाते हैं। जो भी आपका सपना होता है वो अग्यारो आपका पूरा करता है, मतलब जो भी आप मार्केट में लेना चाहते हो एक बार मार्केट सर्च करो, पूरा ऑनलाइन सर्च करो, उसके बाद आप अगर अग्यारो से उससे कंपेयर करोगे ना, अग्यारो ब्रांड की क्वालिटी भी अच्छी है और उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, आप भी फ़ैन हो जाओगे इस ब्रांड के और आपके भी घर में सारे अग्यारो के प्रोडक्ट दिखेंगे गाइज। तो चलिए अभी ये खा लेती हूँ मैं और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज जैसे ही मैंने इसका एक बाइट लिया ना, मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लगा सैंडविच, बिल्कुल बाहर जैसा। अभी बाहर जाके सैंडविच खाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही ग्रिल सैंडविच बनाओ और अच्छे से खाओ, जी भर के खाओ, आप भी खुश और बच्चे भी खुश। और गाइज इसे क्लीन करके रखना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस इसको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कपड़े से या टिश्यू पेपर से आप इसे क्लीन कर दो। और इसकी नॉनस्टिक प्लेट है ना, इसकी वजह से बिल्कुल इसमें कुछ भी चिपकता नहीं है और इजीली क्लीन भी हो जाता है। गाइज सैंडविच खाना हो गया है और ये आने के बाद इनको गरम गरम बना के दे दूंगी, क्योंकि इनको ड्यूटी से लेट हो जाएगा। सैंडविच खाने का तो गरम ही मज़ा है, वरना वो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं रबर टाइप में हो जाते हैं, तो इसी वजह से इनको गरम गरम बना के दे दूंगी। और इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे सैंडविच कि आपको क्या ही बताऊँ। माही से पूछ लो, अद्विक से पूछ लो, अद्विक अच्छे लगे ना। हाँ। माही तो फुल होके बैठी है। अभी मुझे क्या हुआ था पता है, मुझे मिर्ची लग गई थी। हाँ वैसे मैंने बहुत कम डाली थी मिर्ची और थोड़े से बड़े कट किए थे, मतलब ताकि उसे दिख जाए और वो निकाल के रख दे, बट उसने चबा ली और थोड़ी सी मिर्ची लग गई। लाल मिर्च का पाउडर भी नहीं डाला था, फिर भी मिर्ची लग गई। तो चले गाइस इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत इतना भी तीखा खिलाया है, मैं बहुत जल जाता हूँ, इतने तेज से भागता हूँ। तो चले गाइस मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो ना तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल. बाय गाइस, ध्यान रखना अपना.